हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आकांक्षा। और आज देखिए, मैं आप लोगों के साथ में ब्रेकफास्ट में खाई जाने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। और आज मैं स्प्राउट की चाट बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मूँग है और इसको मैंने भिगो के रख दिया था, तो इसके स्प्राउट्स बन गए हैं और इसी की रेसिपी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें स्प्राउट्स निकाल लेते हैं जितना हमें बनाना है। तो स्प्राउट्स जो है वो तुरंत ही बना के खाना अच्छा लगता है, अगर आप उसको बना के रख देंगे तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए जब खाना हो, जितना खाना हो उतना ही बनाइए। तो इसमें जो है बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया। और मिर्च और नमक की मात्रा जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोज़ कैसे देख पाएंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और देखिए, यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, तो एक कटोरी में मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये जो स्प्राउट होते हैं ना, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, अगर आप सुबह सुबह इसको खाएं तो ये बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स तो आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना पता है कि हाँ, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और स्प्राउट जो होते हैं वो चाहे चने के हों या फिर मूंग के हों या मेथी के हों, ये सारे स्प्राउट जो हैं बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो ये जो स्प्राउट्स बनाए हैं मैंने, इसके अंदर मैंने थोड़े से मेथी दाना भी ऐड किया है, क्योंकि मेथी दाना जो है वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो सुबह सुबह हमें इसे खाना चाहिए, चाहे आप 2 चम्मच ही खाएं, लेकिन अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा चाट जो है बनके तैयार हो गया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ये खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन हेल्थ में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा मुझे कि मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।